नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टबेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है। दक्षिण अंडमान के कई इलाकों में बिजली की बार बार की कटौती के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। पोर्टब्लेयर में बाल अधिकार संरक्षण से संबद्ध केंद्र शासित आयोग ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। प्रशासन के विभागों, नगर पालिका और पंचायतों में कार्यों को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू की जाएगी और अंडमान कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है। कल दक्षिण अंडमान के टूसनाबाद पंचायत हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों से क्षेत्र की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने मौके पर कहा कि विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार की ओर से जारी होने वाली धनराशि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सड़कों के अलावा पीने के पानी की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उपराज्यपाल ने ग्रामीण विकास निदेशक को निर्देश दिया कि वे गांव में होने वाले विकास कार्यों की स्वयं निगरानी करें। लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने ग्रामीण जनता से अपील की कि वे अपनी ओर से भी उद्यम और व्यवसाय के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बहुत कुछ किया जा सकता है। मौके पर वन विभाग और अंडमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उपस्थित न रहने पर उपराज्यपाल ने नाखुशी जाहिर की। क्षेत्र में बिजली की कटौती की समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग के अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान मोहन हल्दार ने पंचायत क्षेत्र में हुए कार्यों का ब्यौरा देते हुए प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री हल्दार ने बताया कि कई इलाकों में महिलाओं पर घड़ियाल हमला कर चुके हैं। ग्राम प्रधान ने जरवाओं को भोज्य पदार्थ की आपूर्ति का भी सुझाव दिया।